हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल कोच सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर और आप सभी के लिए सिविल कोच। आज हम देखने जा रहे हैं कि कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, उसका सबसे सही तरीका कैसा है और उसको क्यों करना चाहिए ये भी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉलम ओरिएंटेशन क्यों करना चाहिए। कॉलम ओरिएंटेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाता है, साथ ही साथ सेफ भी बनाता है। कहीं आपने कॉलम ओरिएंटेशन सही रखा है तो स्ट्रक्चर सेफ के साथ इकोनॉमिकल भी होगा। कहीं आपको किसी वजह से चेंज करना पड़े तो एक और चीज़ आती है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जो सामने वाले कस्टमर हैं उनके लिए भी सही होना चाहिए। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ इसके एडवांटेज, जैसे आपने समझा कि इसको क्यों कर रहे हैं, वही सेम इसके एडवांटेज है। जैसे कि आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बना, सेफ स्ट्रक्चर बना, साथ ही साथ कस्टमर के लिए भी सेटिस्फेक्शन दिया। अब जानते हैं इसका प्रोसेस कैसा है, पूरा प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एग्जांपल को लेके मैं पूरा सॉल्व करूंगा। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसा होगा। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया हूँ, 1 2 3 4 चार कमरे हैं, उसमें नाम दे दिए A B C 1 2 3। तो जैसे यहाँ पर जो कॉलम आएगा उसको बोलेंगे A1, यहाँ जो आएगा उसको A2, यहाँ जो आएगा A3। डिस्टेंस दिया है 2.5 4 मीटर, 3 मीटर 3 मीटर। इस तरह से अपन लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A1 को सॉल्व करते हैं। अब A1 के आसपास बीम कैसी है वो देखते हैं। एक बीम है आपकी वाई डायरेक्शन में 3 मीटर की, दूसरी बीम है 2.5 मीटर की। इसके पहले समझते हैं कॉलम का ओरिएंटेशन होना कैसे चाहिए। जैसे एक तरफ से लोड ज़्यादा आ रहा है या दूसरे तरफ से, तो कैसे पहचाने। जैसे इस पॉइंट पे एक कॉलम होगा तो उसमें लोड आ रहा है ये 3 मीटर बीम के कारण, तो 3 मीटर की बीम इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर दी और इस तरफ 2.5 मीटर, तो कौन सी ज़्यादा होगी। समझ सकते हैं आप लोग को मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है आपका मूवमेंट बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट इसके कारण क्रिएट होगा। अब ये तो समझ में आ गया किसके कारण ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। अब ये समझते हैं कि ज़्यादा मूवमेंट के साइड शॉर्टर साइड आना चाहिए कि लॉन्गर साइड। अब जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, अब मुझे सामने से कोई धक्का देगा आसानी से गिर सकते हैं अपन, आगे पीछे आसानी से हो सकते हैं, आजू बाजू से देगा तो टाइम लगता है, अपन ज़्यादा लोड रजिस्ट कर सकते हैं। और अच्छा एग्जाम्पल स्केल से सोचिए। अब जैसे स्केल से समझते हैं, ये एक तरह से एक कॉलम है, एक शॉर्टर साइड है और एक लॉन्गर साइड है। अब मैं लॉन्गर साइड से धक्का दूंगा तो ये आसानी से बेंड हो जा रहा है, वही चीज़ शॉर्टर साइड से धक्का दे रहा हूँ, जितना भी धक्का दे रहा हूँ आसानी से बेंड नहीं हो पा रहा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपके कॉलम में होता है कि कॉलम में जो लॉन्गर साइड है वो थोड़ा सा वीक होता है, शॉर्टर साइड ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन लोग पूरे स्ट्रक्चर के कॉलम को पहले अरेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर x डायरेक्शन में कितना है, 2.5 मीटर के कारण आ रहा है, और y डायरेक्शन में 3 मीटर के कारण। अब इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 3 मीटर। तो 3 मीटर ही आपका मेजर डिसाइड करेगा कि शॉर्टर साइड किस साइड है। तो 3 मीटर आपका आ रहा है y डायरेक्शन में, तो आपका शॉर्टर साइड कौन सा होना चाहिए, y डायरेक्शन पे, तो कॉलम आपका शॉर्टर साइड में y डायरेक्शन में आ जाएगा। इस तरह से अरेंज करते जाते हैं। अब नेक्स्ट केस देखते हैं A3 के लिए। इसी के जैसे एक इस तरफ है, दूसरा दूसरे तरफ है। अब A3 के लिए जब सॉल्व करेंगे तब आपको दोनों तरफ का डायमेंशन पता होना चाहिए, एक 3 मीटर का है, दूसरा 2.5। तो सेम y डायरेक्शन में क्या है, 3 मीटर, और x डायरेक्शन में 2.5 मीटर। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ रहा वो नीचे है कि ऊपर है, किसी भी डायरेक्शन में हो अपन लोग उसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, y डायरेक्शन का, तो उस हिसाब से आप कॉलम को प्लेस करेंगे। तो कॉलम का शॉर्टर साइड किस तरफ आ जाएगा, आपका x के तरफ। y डायरेक्शन बड़ा है तो उसके कारण उसके तरफ आएगा परपेंडिकुलर कॉलम का फेस शॉर्टर साइड, जैसे इसमें दिख रहा है। इसी तरीके से हर एक को सॉल्व करते जाते हैं। अब सॉल्व करते हैं A2 को। A2 में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, नीचे ऊपर दोनों तरफ बीम है, कुछ इस तरह से बीम है, बीच में कॉलम रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा ऊपर तरफ जा रहा है, यहाँ पर दोनों फोर्स नीचे ही जा रही है, तो एक क्लॉकवाइज बनेगा एक एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो दोनों एक दूसरे को डिफेंड करने लगेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अपन लोग A2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये 3 मीटर है, उसके ऊपर भी 3 मीटर है, तो आपका क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में 2.5, y डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को रजिस्ट कर रहा है, तो 3 मीटर माइनस 3 मीटर हो जाएगा, तो अब क्या हो गया, 0। तो कौन सा बड़ा हो गया, 2 मीटर 2.5 मीटर। तो आपका कॉलम कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि जो लॉन्गर साइड है उसके परपेंडिकुलर शॉर्टर साइड आएगा कॉलम का। इसी तरीके से B1 को सॉल्व करते हैं। ये आपका B1 कॉलम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं रुकता हूँ, पहले आप लोग सॉल्व करो, वही आएगा कि नहीं मैच करेंगे। अब देखते हैं कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच किया कि नहीं। B1 के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो x एक्सिस में क्या हो गया, एक तरफ 4 मीटर एक तरफ 2.5 मीटर,
तो दोनों एक दूसरे का एक क्लॉकवाइज बनेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो दोनों एक दूसरे को रजिस्ट कर रहे तो उसके कारण कम हो जाएगा, दोनों को डिक्रीज करना पड़ेगा 4 माइनस 2.5। अब ये डिपेंड नहीं करता आप 2.5 माइनस 4 कर रहे हैं, हमें उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये 1.5 का मैग्नीट्यूड आया और वाई डायरेक्शन में आया 2.5 मीटर का। ये सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इसका अपन लोग बेसिक जनरेट कर रहे हैं कि कौन से तरह से ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से बाद में स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे और उसकी वैल्यू भी चेक करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सेट करना पड़ता है कि किस तरीके से ओरिएंटेशन होगा, उसका साइज क्या होगा, उसके लिए कर रहे हैं अभी। तो अब एक्स और वाई में ग्रेटर कौन सा हो गया, वाई डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया, वाई डायरेक्शन ग्रेटर है तो कॉलम का शॉर्टर साइड वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से सेट हो गया कि आपका वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कॉलम का शॉर्टर साइड है। अब चलते हैं कॉलम C1 की तरफ। जैसे A1 को सॉल्व किया गया था उसी तरीके से C1 भी है। मैं चाहूँगा फिर से आप पहले एक बार सॉल्व करके देखिए, फिर आंसर मैच करेंगे। अब देखते हैं C1 कॉलम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। C1 कॉलम को सॉल्व करने का तरीका सेम, सबसे पहले देखते हैं एक्स डायरेक्शन की कितनी वैल्यू है, वाई डायरेक्शन की कितनी वैल्यू है। एक्स डायरेक्शन की वैल्यू है 4 मीटर, वाई डायरेक्शन की वैल्यू है 2.5 मीटर। तो इससे तो आसानी से समझ में आ रहा है ग्रेटर कौन सा है, एक्स डायरेक्शन। तो उसके तरफ आपका शॉर्टर साइड आ जाएगा। इसी तरीके से आगे सॉल्व करते जाते हैं। अब एक केस ले लेते हैं बीच वाला, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ये। यहाँ पर ये आपका कॉलम का नाम क्या हो गया, B2। अब जब B2 को सॉल्व करने जाने एक्स डायरेक्शन में देखेंगे 2.5 एक तरफ 4, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 2.5 1.5। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस तरफ 3 मीटर इस तरफ 3 मीटर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किए 0 मीटर आ गया। तो अब इन दोनों से बड़ा कौन, 1.5 मीटर। तो आपको कॉलम कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, 1.5 मीटर की तरफ मतलब वाई डायरेक्शन की तरफ शॉर्टर साइड, जिस तरफ मूवमेंट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, मूवमेंट जनरेट हो रहा है उस तरफ हमें शॉर्टर साइड रखना। क्यों, वो अपन लोगों ने पहले भी देखा, शॉर्टर साइड ज़्यादा अच्छे से लोड कैरी कर सकता है, मूवमेंट को ज़्यादा रजिस्ट कर सकता है। अब इसी तरीके से पूरे कॉलम को अरेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे कॉलम को अरेंज करेंगे। अब देखते हैं कहीं वॉल होता तो क्या होता। अभी हमने स्ट्रक्चर को देखा कि बीम के हिसाब से कैसे अरेंज करना है। वॉल होता है जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल प्लान। आर्किटेक्चरल प्लान के हिसाब से हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, कॉलम को ओरिएंटेशन उसके हिसाब से चेक करना पड़ता है, तब वो करते हैं। तो इस तरीके से पूरे कॉलम और वॉल कहीं रहे, ये जैसे आपका आर्किटेक्चरल प्लान है। अब इसमें कॉलम प्लेस करते हैं, तो देख रहे हैं कॉलम प्लेस कर रहे हैं, तो ये कॉलम स्पेशली वाला कॉलम अलग से बाहर निकला है, वाला कॉलम तो हल्का सा है, थोड़ा सा उसको पोजीशन चेंज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, परंतु वाला कॉलम के लिए ओरिएंटेशन गलत हो रहा है। किसी भी क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा कि ये उसका हॉल है, समझो हॉल में अलग से कॉलम दिख रहा है, तो इसके कारण इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो अब कॉलम को मॉडिफाई करके देखते हैं उसका पोजीशन किस तरह से आएगा। इस तरह से कुछ हो गया, मॉडिफाई किए, अब वापस वॉल बनाते हैं तो लगभग पूरे कॉलम कवर हो गए। तो हमें इसी हिसाब से चेक करना पड़ता है। सबसे पहले क्या किए, स्ट्रक्चर के हिसाब से चेक किए कि पूरे कॉलम सही है कि नहीं। अब एक दो कॉलम जो आपको आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करना पड़ रहा है उसको चेंज करते हैं। ये चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर को भी मतलब आपके कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन देना है, उसका घर है उसको एकदम प्रॉपर व्यू मिलना चाहिए। हम एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर पहले सेफ्टी को प्रायोरिटी देते, परंतु क्लाइंट हो या आर्किटेक्चर हो वो ब्यूटी को ज़्यादा मतलब सुंदरता को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो उनके साथ भी हमें साथ साथ चलना चाहिए। तो इसी तरीके से पूरे कॉलम्स को अरेंज किया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है। तो मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, काम क्या किए, सबसे पहले बीम के हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा अरेंज किए कॉलम को, उसके बाद आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि कैसा होना चाहिए कॉलम, उसको चेक किए। अब यही केस कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बने रहिए सिविल गुरु जी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ।